और नमस्कार आप मित्रों, लगभग एक महीना पहले हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि बोरवेल की सफाई बिल्कुल फ्री में कैसे करें, और अब एक महीने बाद हमारा उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा वो हम आपको बताते हैं। बोरवेल सफाई करने का सबसे आसान तरीका करके एक हमने आपको वीडियो बताया था दोस्तों, और उस वीडियो के माध्यम से हमने आपको पूर्व में बताया था कि यदि बोरवेल में किसी प्रकार मिट्टी अड़ जाती है जिसके कारण हमारी मोटर उसके नीचे नहीं जाती है, उदाहरण के लिए हमने बताया था आपको कि 100 फिट हमारा ये जो गड्ढा है बोरवेल है और हम जब इसमें मोटर डाले थे तो इसमें 60 फिट से ज़्यादा हमारी मोटर नहीं जा रही थी। इसके बाद हमने उसमें पास की सबमर्सिबल मोटर से 2.5 इंच की लाइन को 2 इंच और 2 इंच के मुंह को 1 इंच का मुंह बना करके प्रेशर जनरेट किया था, और उस प्रेशर के माध्यम से हमने उस लपेटा पाइप को इस गड्ढे के अंदर डाला था इस सबमर्सिबल मोटर को निकाल करके, फिर हमने इस बोरवेल के अंदर जो डाला था और उससे हमारी जो मिट्टी वो छन छन के बाहर निकल गई थी, और ओवरऑल हम इसमें सफल हुए थे। और सफल होने के बाद हमने फिर अपनी ये सबमर्सिबल मोटर डाली है, और डालने के बाद आप देख रहे हैं कि सफलतापूर्वक हमारी सिंचाई चल रही है दोस्तों। और जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि अब हमारी इसमें कम से कम 8 से 10 चिड़ियाँ चल रही हैं, मतलब स्प्रिंकलर से हमारी जो है सिंचाई का काम चल रहा है, और आपको हम बताना चाहेंगे कि इसका प्रेशर कितना अच्छा हो गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका हम प्रेशर ये बताना चाहेंगे कि हमारी सबमर्सिबल मोटर जो हमने बोरवेल साफ किया था दोस्तों, उसकी जो मोटर है वो कितने शानदार तरीके से चल रही है। तो ये हमारे सहयोगी इसको खोल के बताना है, वहाँ से भी खोल सकते हैं आप। ये और जब हम इस काम में सफल हुए तो हमारे इसमें कम से कम 7,000 रुपये की ये बचत हुई कि हमको बोरवेल मशीन को बुलाना नहीं पड़ा, क्योंकि बोरवेल मशीन इस काम को करने में कम से कम 7,000 रुपये का हमसे खर्च मांग रही थी। दूसरा, हमारी ये फसल है, फसल जो खड़ी हुई थी उस फसल को नष्ट होने का भी डर था, क्योंकि जहाँ से गाड़ी निकलती है वहाँ से फसल नष्ट हो जाती है दोस्तों। तो सबसे आसान तरीका जो हमने आपको बताया था उसके परिणाम स्वरूप जो हमको और ये देखिए आप प्रेशर किस तरीके से है कि हमारी पाइप भी जो है बहुत शानदार इसमें प्रेशर है पानी का। ये हमने जो सफाई करी थी उसके बाद, और चूंकि हमें दूरी बहुत ज़्यादा है तो हमने इसमें एक मोटर का और पानी इसमें लिया है, जिससे आप देख रहे हैं कि ये 2 मोटर का ज्वाइंट होकर के और हमारा आगे चिड़िया चल रही हैं, अर्थात स्प्रिंकलर विधि से हमारा काम चल रहा है। तो अब आप देखेंगे हमारा, जब हमने ये वीडियो आपको बना के दिया था तो अब आप इसमें लगा दीजिए भैया, तो उस समय बहुत सारे लोगों को बहुत सारी शंकाएं थी, बहुत सारे प्रश्न थे, उनका सबका उत्तर मैं आपको अगले इतवार को दूंगा। लेकिन कई लोगों ने हमसे ये पूछा था कि इतनी गहराई पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये कैसे संभव है। उन सबका हमने कमेंट के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास किया है, और हम इसको चीज़ को क्लियर आपको इतवार को करेंगे। तो दोस्तों, हमने जिस प्रकार से ये बोरवेल को साफ किया था वो बहुत और बहुत शानदार और आसान और सबसे सस्ता, जिसे हम कहेंगे लगभग फ्री में, वो तरीका था। तो आप भी अगर जब आपका बोरवेल बंद हो जाए, हाँ तो दोस्तों हमने आपको बताया कि हमारा जो बोरवेल हमने जो साफ़ किया था और साफ़ करने के बाद उसका कितना अच्छा प्रेशर है, और लगभग जब हमने साफ़ किया था उससे हमको 1 महीना होने को है, और 1 महीने में लगातार हमारी सिंचाई चल रही है, किसी प्रकार की उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, फिर से उसमें मिट्टी नहीं आई है। तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो सफल रहा। दोस्तों, आप भी इसी तरीके से बोरवेल को साफ़ करें। हमने आपको यहाँ उसका प्रेशर भी बताया, किस प्रकार से प्रेशर आ रहा है। उससे पहले हमें ये समस्या आ रही थी कि हमारी मोटर ही नीचे नहीं जा रही थी, हमारी जब सबमर्सिबल मोटर ही नीचे नहीं जा रही थी तो हमारा बोरवेल में पानी ही नहीं आ रहा था। तो इसी प्रकार से आप बोरवेल को जो हमने आपको पहले बताया था वो उसकी मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन के नीचे दूंगा, और आप हो सके तो उस वीडियो को पूरा देखें, और देख करके अपने पैसे की भी बचत करें, समय की भी बचत करें और फसल की भी बचत करें। तो 3 तरीके से आपको उसमें फ़ायदा होगा दोस्तों। आप हमारे इस चैनल को देख करके आप नई नई खेती किसानी की टिप्स सीख सकते हैं, और अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।
तो दोस्तों जब भी सिंचाई की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमें सिंचाई के साधनों पर फोकस करना पड़ता है। सिंचाई के साधन चूँकि हमारे पास बोरवेल, तालाब, नदियाँ और कुएँ, इस प्रकार से बहुत सारे जो साधन होते हैं उनसे ही हम पानी दे पाते हैं। चूँकि हमारे क्षेत्र में बोरवेल का ज़्यादा प्रचलन है और बोरवेल से ही पानी देते हैं, उसकी जो सबसे ज्वलंत समस्या थी वो हमने आपको हल करके बताई। और अब हम चाहेंगे कि आप इसी प्रकार हमारे वीडियो को देख करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।